नमस्कार मैं मिराज खान एन बिहार में आपका स्वागत है जैसा कि आपको मालूम है जोकीहाट उपचुनाव के बाद एक नया मामला निकल कर सामने आया था जिसमें मियापुर पंचायत में एक मस्जिद के इमाम पर मारपीट करने का आरोप लगा है जो आरोप जदयू प्रत्याशी मुर्शीद आलम पर लगा कि उन्होंने जो इमाम के साथ मारपीट किया है इसकी सच्चाई जानने आज हम मियापुर पंचायत पहुँचे हुए हैं और यहाँ से जो हकीकत है उससे आपको रू रूबरू कराना चाहते हैं इसी सिलसिले में सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं जदयू प्रत्याशी मुर्शिद आलम से कि इस पर उनका क्या कहना है और क्या सच्चाई है आइए सीधे आपकी बात कराते हैं मुर्शिद आलम साहब से सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये आप पे आरोप लग रहा है कि ये जोकी हाट उपचुनाव के बाद आपके समर्थक द्वारा आरजेडी समर्थक पर हमला किया गया मस्जिद के इमाम पर हमला किया गया इसमें क्या सच्चाई है ये मैं डायरेक्ट आपसे जानना चाहता हूँ देखिए ये मामला बेबुनियाद है ये मामला उनके द्वारा नहीं उठाया गया है ये सहनवाज़ एक बलात्कारी का पुत्र है और बलात्कारी का भाई है क्रिमिनल का भाई है जितने भी धाराएं हैं मोहम्मद सरफराज आलम पर लगा उनका बड़ा भाई है अभी इनका गुत्थी नहीं खुला है ये बिला वजह लोगों पर जैसे अब शब्द का इस्तेमाल करता है मुझे भी अब करना पड़ रहा इसका भाई पेट्रोल पंप पर डकैती किया गुलाम रसूल इन्होंने इनके ऊपर डकैती केस पर जो मुलवि किया ये किशनगंज जेल में भी रहे कई मामला ऐसा था जो किशनगंज जेल डिस्ट्रिक्ट का था फिर ये आदमी दूसरे पर आरोप लगाता है कि ये ऐसा है ये उस तरह का है हम लोग तो गांव समाज में चूँकि बहुत दिनों से मुखिया हैं आज मेरा मतलब यह है कि पंद्रह साल हम थे अभी हमारी जो पुत्र है वो मुखिया है गांव समाज में पंचायती की वजह से कहीं चाहे बलात्कार का पंचायती हो या छिनछोड़ी का उसमें भी साजिश करके हम लोगों को फंसाया गया एक मामला जो ये लोग बोलता है बलात्कार का जिसमें हमारे सरपंच अशोक यादव भी हसामी हैं हम लोग मात्र जो पंचायती करने के वजह से हम लोगों को आसामी दिया गया था हम लोग मना कर दिए थे कि भाई ये हमारे जुडिशन से बाहर है हम लोग ये पंचायती नहीं कर सकते हैं लेकिन प्रीता को ऐसा लगा कि इन लोगों की वजह से पंचायती नहीं हुई तो हम लोगों का नाम दे दिया गया बगैर किसी केस का बॉडी का जाने हुए इन्होंने जो दुष्प्रचार किया और बोला ये सरासर गलत रही मस्जिद के इमाम की बात ये मस्जिदों में जो यही मस्जिद नहीं ये लोग साजिश करके अभी शहनवाज जो बोलता है कि आर का जो कैंडिडेट है जिनका ज़मीनी स्तर पर कोई पहचान नहीं है ये आदमी एक मतलब जाति विशेष को भाजपा और जदयू का डर दिखाकर कि अगर आप भाजपा जदयू जो अलायंस इसको वोट देंगे तो मस्जिदों में आजान नहीं दिया जाएगा मस्जिदों में ताला लगा दिया जाएगा मदरसा को बंद कर दिया जाएगा दाढ़ी पर पाबंद लगा दी जाएगी कुर्बानी बंद कर दिया जाएगा गाय का गोश्त बंद कर दिया जाएगा ये सब दुष्प्रचार मस्जिदों में इमाम के ज़रिया किया और इमाम कुछ पैसों के लालच में इसी तरह बोला रही बात नूरी मस्जिद की बात है ये लड़का कई दिनों से कई जुमा में कई नमाज़ में ये बोलता था कि जदयू भाजपा अलायंस है आप अगर आप उसको वोट देंगे तो यहाँ पर मस्जिदों में ताला लगा देगा मदरसा में ताला में लगा देगा दाढ़ी पर पाबंदी लगा दी जाएगी बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाएगा यहाँ तक कहता था, था कि आप योगी आदित्यनाथ की सरकार में देख लीजिए यूपी में कितने मदरसा बंद हो गए यहाँ तक कि गलत वीडियो का जिसमें कत्ल आम दिखाया जाता था वो चाहे किसी भी मुल्क को या फेक हो उनको भी उनका भी मिसाल दिया करता था कि आप देख लीजिए व्हाट्सअप में ये सब देख करके लोगों को डराया और समय ये करता था और इसी के नाम पर वोट का पॉलोडाइजन किया गया लोगों को सही जानकारी अब मिल रही है लोग पछता भी रहे हैं कि हम लोगों ने गलत किया है क्योंकि यहाँ पर मेरी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ था परिवारवाद में जब वोट नहीं ट्रांसफ़र होने लगा तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं इस्लाम खतरे में है जाति विशेष को भड़का कर वोट लेने का काम किया और मैं एक छो को जब मस्जिद पहुंचा क्योंकि मुझे जानकारी मिली थी कि ये इमाम यहाँ पर हर जुमा में सियासत की बात करता है और जदयू भाजपा के ख़िलाफ़ जमकर बोलता है उस दिन भी बोल रहा था मैं मना किया लोगों ने भी जो मुसल्ली नमाज पढ़ने वाले थे सब ने विरोध किया विरोध के पश्चात यहाँ तक के उनका साला जो था उनको बाहर किया और लोगों की आम सहमति बनी मौलाना तबारक कासमी को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई और नमाज़ पढ़ाया गया उनका सहयोगी जो था कुछ इमाम मस्जिद का मुतवली मोहम्मद खुर्शीद आलम था उनकी सहमति से होता था यहाँ तक कि उनको भी इमाम मस्जिद से मुतवली पद से हटा करके मोहम्मद सलीम को बनाया गया क्योंकि ये लोग सारे लोग गलत हैं ये सरफराज का ये एजेंट है ये लोग एजेंट के रूप में कुछ पैसे के लालच में काम करता है जबकि उनका घर खुर्शीद और मुख्तार का सिक्टी विधानसभा में है मेरा घर जोकी विधानसभा में है झूठों फूसों लोगों को कहता है मैं उनका भाई हूँ ये हूँ अरे मैं उसका घर सिक्टी में मेरा घर मियापुर पंचायत में वो बरदबट्टा पंचायत में पड़ता है हम जोकी विधानसभा में हैं लोगों को बहलाने फुसलाने सदियों से रहा है मेरा मानना है कि छः महीने में ही यहाँ के लोगों को असलियत का पता चल जाएगा क्योंकि जितने भी लोग हैं गुमराह करके वोट लिया है और आज के समय में जो उसको विधानसभा का वोट लेना था जो गुमराह किया है हिंदू को हिंदू के तरफ बांट दिया कि आप जदयू के तरफ जाइए और आरजेडी मुसलमानों को बांट दिया इसकी गूंज 2019 में निश्चित रूप से सुनाई पड़ेगी कि चूँकि इस पार्लियामेंट क्षेत्र में हिंदू बहुसंख्यक हैं उनका जो यहाँ मतदाता है दस लाख से अधिक है और मुस्लिम मतदाता मात्र छः लाख कुछ हैं जिस तरह अभी की राजनीति हुई इसकी गूंज 2019 में सुनाई देगी जब हिंदू अपने हिंदू कैंडिडेट की तरफ भागेंगे मुस्लिम मुस्लिम कैंडिडेट की तरफ तब इनको पता चलेगा कि आज जो मैंने उपचुनाव में राजनीति किया इसका खामियाजा 2019 में भुगतना पड़ रहा है और जो इमाम कह रहा है कि हमारे साथ मारपीट किया है ये सरासर गलत है हम लोगों ने ना तो उनके गले में गमछा लगाया ना मारपीट किया है उसको बहुत आसानी से समझाया गया कि आप इमाम के लायक नहीं है इमामत नहीं करने दी जाएगी इसी बिना पर लोगों की सहमति से उसको इमामत नहीं करने दिया गया रही शाहनवाज अभी तो बहुत बोलता है अभी तो बच्चा है वो अभी कुछ काम करके जब दिखाएंगे लोगों को तब पता चलेगा उनको पता नहीं है उसका बाप कितना बार जेल गया और कितने केस मुलिज है यहां तक कि अभद्र शब्द का हमको इस्तेमाल नहीं हम लोग शिक्षित परिवार से हैं हम लोगों को किसी का शिकायत बोलने की जरूरत नहीं है आज से पहले देखे होंगे मैंने कभी किसी का शिकायत नहीं बोला लेकिन ये जो आज नया विधायक बना है कई शब्दों का इस्तेमाल किया है इसलिए मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा उसका बाप एक बलात्कारी था भाई यहाँ तक देख ली चलती ट्रेन में लड़की के साथ छेड़छाड़ किया अब लड़की शर्मंदगी से भले नहीं बोला होगा कि मेरे साथ और कुछ किया यही मामला नहीं लगभग दर्जनों मामला है आप किशनगंज में देख लिए फुलवरिया में फुलवरिया में उन्होंने एक थानादार से उसका हथियार छीना उसमें जेल जाना पड़ा पद पर रहते भी अभी तो कानून का राज है इसलिए शिकंजा कसा हुआ है जरा सा भी उफ तक करेगा तो सरकार की निगाहें इनके ऊपर है एक विधायक का क्या हैसियत हो सकता है आप पिछली देख लिए अमजद अली से इनका बैकग्राउंड क्या है ये कहीं जमींदार परिवार से नहीं थे आज अगर चार सौ बीघा हजार बीघा जमीन है तो कहाँ से आया आज कह रहा कहा जा रहा है कि बीस करोड़ का मकान है तो कहाँ से है आज इतना पेट्रोल पंप है कहाँ से है मैना कामत है कहाँ से है फुलवरिया के पास एक बहुत बड़ा दो सौ एकड़ का एक जमीन है वो कहाँ से आया चाय बागान कहाँ से आया तो ये लोग लुटेरा हमेशा से लूटा है जनता जग चुकी है गुमराह किया गया समय बहुत नज़दीक है 2019 का मार्च का आप लोग इंतज़ार करिए अभी एक शेर याद आ रहा है अभी तो शेर करता है तू सितारों की एक दिन देखेगा जमाना जवाल तेरा जैसा कि आप अभी सुन रहे थे मुर्शिद आलम साहब को आरोप प्रत्यारोप का दौर दो, चालू हो चुका है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं लेकिन अररिया की मैं बात करूं तो अररिया में अक्सर चुनाव के वक्त में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जातिवाद पे चुनाव होता है जबकि यहाँ की मूलभूत समस्याएं है जो हैं उस समस्याओं को इलेक्शन में नहीं उठाया जाता इस बारे में मैं मुर्शी साहब से बात करना चाहूँगा कि क्योंकि हाँ जो कि हाट जो क्षेत्र है वो सैलाब प्रभावित इलाका है पिछले साल सैलाब आया था और दो महीने से बचे हुए हैं फिर अगस्त आने में हो सकता है कि फिर इस बार सैलाब आए अल्लाह ना करे कि उतना भयानक आए जिस तरह पिछली बार हुआ है लाखों लोगों की क्षति हुई है सैकड़ों लोग सैलाब में बह गए थे और मैं बात करना चाहूँगा कि मुर्शी साहब ये जो इलेक्शन का वक्त आता है इसमें आखिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय वगैरह के नाम पे वोट का प्रोलाइज किया जाता जा है जा, वोट को वर्गलाया जाता जा है जा, वोटरों को तो क्या ये इस सब से उठकर हम समाज के लिए समाज की तरक्की के लिए रोज़गार के लिए या फिर आप ये कह सकें जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है कि विकास के नाम पर हम राजनीति करते हैं तो इस सब चीज़ पर क्या वोट नहीं मिल सकता अब देखिए आप एक जर्नलिस्ट हैं और बहुत बेहतर जानते हैं जहाँ तक एक बात बोले हिंदू मुस्लिम का ये रेणु जी की धरती है और ऐतिहासिक धरती है यही नहीं हिंदुस्तान में नहीं रेणुजी जी का नाम पूरी दुनिया में मशहूर है कि फनेश्वर राम रेणु की धरती और यहाँ का जो हिंदू बिरादरी है बहुत सोबर टाइप का है और बहुत अच्छे मिजाज का है ये आदमी कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं किया अगर हिंदू मुस्लिम क्या रहता तो अभी जो सरफराज मियाँ जो सांसद बने हैं या तस्लीम साहब जो सांसद बने हैं ये नहीं बनते आप देख देखिए डेढ़ गुना वोट से भी ज़्यादा का डिफरेंस है इसके बावजूद भी मुसलमान हैं यहाँ पर हिंदू बिरादरी डेढ़ गुना से अधिक ज़्यादा है लेकिन कहीं ना कहीं वो बेचारे बहुत इनोसेंट हैं जहाँ तक मुस्लिम की बात है ये लोग बहुत लंबे समय से ये राजनीति करते आया है यही लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और इनको देखकर अब हिंदू बिरादरी भी सीखने लगा है और आम चर्चा है कि इसका पता उसको 2019 में लगाएंगे रही बात कि ये इलाका बाढ़ पीड़ित इलाका है आप देखे होंगे कि ये जो बाढ़ से जो इतना माम हुआ माननीय श्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं उन्होंने जिस तेज़ी से आवागमन रोड घाट पुल पुलिया का काम किया ये एक मिसाल है कि जो 20 दिनों के अंदर या अररिया के अंदर जितना बड़ा कटाव हुआ था और जो वहाँ पर तीन आदमी की जो मृत्यु हुई थी वो एक ऐतिहासिक मृत्यु था जिसको पूरी दुनिया देख कर कांप चुकी थी उसको भरने के लिए मात्र पंद्रह दिन का समय लगा इससे आप विकास का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आदमी जो विकास पुरुष हैं न्याय के प्रतीक हैं बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने पंद्रह दिन में सुधार करके आवागमन चालू कर दिया उससे अगला वाला देख लिए फौजी पुल यानी उनका एक मनसा था कि जो चीज़ जितना तेजी से हुआ है जितना विकराल स्थिति में बाढ़ आया है उसको उतनी तेजी से मुरम्मत कर दिया जाए समय नहीं मिला दो दो बार इस जिला में आचार संहिता लग गया एमपी चुनाव में एमएलए चुनाव में जिसके वजह से चार महीना सरकार का खराब हुआ लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं उनकी नजर निश्चित रूप से अररिया पर है क्योंकि अररिया नेपाल से सटा हुआ सारा पानी का बहाव इसी इलाके से होता है वो बहुत तेजी से अभी प्लानिंग हो रहा है आपको दो महीना के अंदर सभी रोड गार्ड जितना भी जो सैलाब में कट चुका था जिसका संपर्क टूट चुका उसको तो बना ही दिया है लेकिन अब उसका पक्कीकरण कर देंगे बाकी जो ये लोग जो हैं राजनीति जो करते हैं इन लोगों को आप इतिहास में उठा के देखिएगा कि ये सरफराज आलम जो विधायक रहे अपने असेंबली में मात्र एक बार बोले हैं कभी नहीं बोले वो एक बार बोले थे जब ये भूमि सुधार मंत्री थे उसमें बोले तो जिसमें हिंदी में उसको पढ़ना था तो वो लड़खड़ा गए अब्दुल बारी सिद्दीकी को बोलना पड़ा कि मोहम्मद सरफराज आलम उर्दू स्टूडेंट हैं ये हिंदी कम जानते हैं जबकि ऐसी बात नहीं इनकी तालीम ही बहुत नीचे स्तर का है ये आदमी कभी असम्बली में अपनी बात को मजबूती से नहीं रख सका हाँ तारांकित जो प्रश्न होता है वो लिख पूछे इसी तरह का माननीय श्री तस्लीमुद्दीन साहब का इतिहास है कि वो कभी भी पार्लियामेंट चुनाव में बोले ही नहीं है आप यूट्यूब को खंगार के देख लीजिए हर एमपी का कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का मुद्दा या किसी ऐसे उन्वान पर जो बोलना होता है बोलता है और लोग उसको देखता है तब वहाँ के जनताओं को गर्व महसूस होता है कि मैंने जिसको जिता के भेजा है वो एक अनमोल व्यक्ति है इनके अंदर वो सलाहियत है लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है जब भी ये किशनगंज में रहे अररिया में रहे या उनका बेटा जो कि मेरा कभी ऐसा देखने को नहीं मिला टीवी में या टीवी के डिबेट में कि हमारे सांसद या एमएलए ऐसा कुछ बोल रहे हैं जिससे यहाँ के जो जनता है अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे फक्र महसूस करे ये मौका नहीं मिला ये तो एक छोटी सी राजनीति जैसे पंचायत वाला राजनीति उसी तरह का करता है मेरा मानना है कि समय आ रहा है चूंकि हर चीज़ बदल रहा है समय के साथ आप देख रहे होंगे एक ज़माना होता था, था कच्चा सड़क खरंजा हुआ आज पक्की है समय आ रहा है निश्चित रूप से जनता इन्हें इन लोगों को नकार देगी अच्छे लोगों की तलाश में है गुमराह हो गया आज पछता रहा अब कहीं भी इंटरव्यू ले लीजिए लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने गलत किया इसकी गूंज 2019 से चालू है और वो डाउनफॉल होना शुरू हो गया दो तक जिस तरह बड़े बड़े घराना राजशाही धाराशाही हो गया इनका भी हो जाना है ये तय मानिए आप बहुत बड़ी बात मुर्शीद साहब ने कहा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि जीत कर जाते हैं जो हमारे एम पी एम जीत कर जाते हैं क्षेत्र की समस्याओं को हमारे जो सं, संसद भवन है या विधानसभा मंडल है इसमें रखते ही नहीं है जब तक हमारे क्षेत्र की समस्या विधानसभा में संसद भवन में नहीं उठेगा हमारे मसले पे बहस नहीं होगी तब तक हमारे इलाके का विकास नहीं हो सकता ये अररिया के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि अब तक जितने भी यहाँ से प्रत्याशी उम्मीदवार जीत कर गए उन्होंने अपने बात को अपने क्षेत्र की समस्या को वहाँ सरकार के सामने नहीं रख सका जिस कारण से हमारा इलाका हमेशा इस तरह से पिछड़ा इलाका है हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाक़े में अगर नाम आता है तो अररिया ज़िला का भी नाम उसमें सबसे पिछड़े इलाके में आता है मैं एक बात और पूछना चाहूँगा मुर्शिद आलम साहब से कि आप पे आप पे नहीं मुस्लिम मतदाताओं पे ये इल्ज़ाम लग रहा है जो कि जोखीहाट उपचुनाव के बाद कि मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया है आपको जबकि चालीस हज़ार से अधिक वोट मिले हैं इसमें क्या सच्चाई है मैं डायरेक्ट आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको मुस्लिम मतदाता ने वोट दिया या नहीं दिया देखिए मुझे अक्सरियत में बहुमत में हिंदू मतदाताओं ने वोट दिया जहाँ तक किसी का कहना कि मुस्लिम मतदाता नहीं लिया वोट नहीं दिया आप बुथ वाइज जब सर्वे करेंगे तो मुझे दस हज़ार के आसपास मुस्लिमों ने वोट दिया क्योंकि यहाँ के जो नागरिक हैं वो बहुत ही मुलायम किस्म के हैं इनको यानी किसी के बहकाव में बहुत जल्द आ जाता है ये बहुत साफ़ सुथरा लोग है इंसाफ पसंद लोग हैं इनको कहीं ना कहीं बहकाया गया है तब जाके ये गलत ढंग का वोट किए हैं मुस्लिम मतदाता वोट दिए मुझे पूरी उम्मीद है कि यही मतदाता 2020 का जब चुनाव होगा तो एक नया रूप रेखा लेके आएगा आप याद कीजिए 2010 में यही सरफराज आलम चुनाव मात्र चवालीस हज़ार में चुनाव जीत गया था जब जब आम चुनाव हुआ इतिहास उठा के देख लीजिए छत्तीस हज़ार सैंतीस हज़ार अड़तीस हज़ार का ही आंकड़ा है जब ये मंजर से चुनाव लड़े या रहमान से लड़े तो उस वक्त तो बीस पच्चीस हज़ार का आंकड़ा होता था ये आदमी आज मैंने वोट का पोलराइजेशन हो करके ऐसा हुआ है लेकिन ये रहेगा नहीं जब आम चुनाव होगा फिर फैसला वही चालीस के आसपास होगा ये आपको देखने में मिलेगा अभी तो उपचुनाव था बहुत लोग कहा कि भाई दो साल का क्यों चुनाव लड़ेंगे इसलिए भी नहीं लड़ा चुनाव अभी ये सोचा कि चलिए भाई इसको दे देते हैं देश का माहौल गलत अफवाह फैला करके जबकि आप ये जानिए पूरी दुनिया में मुसलमान सुरक्षित हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुरक्षित बिहार में है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो न्याय के प्रतीक हैं वो कभी किसी की दंगा परस्त या फिरका परस्त वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते आप देख लीजिए बहुत बड़े मंत्री थे अश्वनी कुमार चौबे का बेटा उनको जेल जाना पड़ा उसी तरह मेरा मानना है कि ये इमाम जो देश विरोधी बातें कहकर लोगों को जो बहकाया गया है निश्चित रूप से हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे आप इनकी जांच कर लीजिए जांच के बाद ये भी जेल जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार न्याय की न्याय के राज में कभी कोई गलत करके बचा नहीं है आप देख लीजिएगा इसका बहुत जल्द रिजल्ट परिणाम सामने आएगा 2015 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपार बहुमत मिली थी जिसमें सभी धर्मों के सभी वर्गों के लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और माननीय मुख्यमंत्री को जिताने का काम किया था लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि अभी हाल में जब मुख्यमंत्री ने महागठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ एलाइंस किया उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री की लोकप्रियता में कुछ कमी आई है जैसा कि मालूम हो रहा है दूसरा एक सवाल मेरा और ये होगा कि आपके जो सहयोगी दल हैं बीजेपी से वो अक्सर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ में उनके कुछ नेता आवाज़ उठाते रहते हैं कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार से रोक लिया जाए मुसलमानों को इस देश से निकाल दिया जाए मुसलमानों को पाकिस्तान भेजा जाए अभी हाल में झारखंड में एक बीजेपी की नेत्री उन्होंने कहा कि मस्जिदों में आजान बंद कर दी जाएंगी मुसलमानों को यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी चाहे पाकिस्तान आ जाए तो इस तरह का जो मुद्दे उठाए जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि इसी वजह से मुसलमानों ने आपके प्रति आपके पार्टी के प्रति थोड़ा सा नाराजगी है गुस्सा है जिसका इजहार उन्होंने इस वोट में किया है और इसको बदलने के लिए आप क्या करना चाहते हैं इस पर मैं चाहूँगा कि तफसील से बात करें क्योंकि जब बात हो रही है तो सारी बात होनी चाहिए और जनता तक आपकी बात पहुँचनी चाहिए मैं आपसे जाना चाहूँगा देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको याद होगा साक्षी महाराज जैसे और साध्वी जैसे कई नेताओं को उन्होंने इस बात का ये हिदायत दिया था कि आप कोई भी हिंदुज्म यानी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करें आप देश हित की बात करें कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक हैं वह अपनी बात कह करके हिंदुओं में एक पूरा हिंदुत्व का माहौल बनाना चाहते हैं यानी चुनावी फ़ायदा लेना चाहते हैं लेकिन अक्सर देखे होंगे माननीय प्रधानमंत्री इस बात पर पूरा सचेत रहते हैं और हिदायत देते हैं कि आपको कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं करना चाहिए यहाँ तक कि पार्लियामेंट के पटल पर उन्होंने बयान दिया है कि आप गलत बयानबाजी से बचें रही बात कि इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत ज़्यादा सजग हैं बिहार में किसी की औकात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम वो चाहे वो कितने बड़े पद पर हो एमएलए हो मिनिस्टर हो उनकी औकात नहीं जब जब बोला है माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हमेशा ये बोले हैं कि मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और वो कहता है कि हम गठबंधन के में रहें या नहीं रहें सरकार मेरी बचे या नहीं बचे लेकिन मैं अपनी नैतिकता से हट नहीं सकता है कोई अगर फिरका या फिरका प्रस्त बात करेगा या दंगाई बात करेगा मैं उसको सहन नहीं कर सकता जिसकी मिसाल वो अश्वनी कुमार चौबे के बेटे को गिरफ्तार करके दे दिया रही बात कि ये बात क्षणिक है लोगों को बहकाया गया है इसके नाम से इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा और रहा बात कि आप एक सवाल किए कि महागठबंधन में उन्हें अपार बहुमत मिला था आप देखे होंगे कि छोटे छोटे चार पांच पार्टियां मिलाकर एक महागठबंधन बनाई गई थी उसमें बीजेपी एक अकेले एक था और इस क्षेत्र में जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है कांग्रेस का आरजेडी का नीतीश कुमार का और कई लोगों का जहाँ पर एक महागठबंधन बना तो तय बात थी अभी लोगों को लग रहा है कि माननीय नीतीश कुमार हम लोगों को छोड़ के बीजेपी में चले गए हैं लेकिन जो आदमी सरकार चलाता हम है हम मुखिया हैं पंचायत चलाते हैं कितनी परेशानियाँ होती हैं चूँकि ये लोग अहंकारी हैं जो आदमी दागी हैं आप वो दूसरे को दागी कहता है अहंकारी लोग हैं नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सरकार चले चलाने में निश्चित रूप से परेशानियां हो रही थी उनको पूरी आज़ादी नहीं थी जिनके वजह से जब एक आरोप लगा श्री तेजस्वी यादव पर और मीसा भारती पर नीतीश कुमार कई दिन कहे कि आप अपनी सफाई दीजिए आप जर्नलिस्ट हैं कहीं से भी वो सफाई नहीं दे सका उनका कहना था कि आप अपने इस पद को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को अपने पार्टी का डिप्टी सीएम बना दीजिए लेकिन ये परिवारवाद में इतना संलिप्त है कि ये उससे उठ नहीं सका नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बिहार के हित में ये फैसला लेना पड़ा कि हम अभी बीजेपी के साथ सरकार बना लें क्योंकि उनके साथ मजबूरी थी सरकार चलने में दुश्वारी हो रही थी अब देखिए कितनी बड़ी बात है तेजस्वी यादव मेरे बारे में भी दागी बोला उसको पता नहीं कि मेरा बाप दागी नौ नौ केस में दागी माँ दागी हम स्वयं दागी बहन दागी उसके बाद भी दूसरे पर वो कटाक्ष करते हैं कि दागी है अरे तुम देख लो कि हम दागी हैं, हमको सजा नहीं हुआ अभी तक तुम्हारे पिताजी को तीन तीन केस में सजा हो चुका है उसके बावजूद भी दूसरे को दागी बोलते हो तो चूंकि एक उंगली जब किसी के ऊपर उठाता है तो उनके ऊपर चार चार तीन तीन उंगलियाँ उन्हीं के ऊपर होता है वो अच्छी तरह से इस बात का प्रचार प्रसार मुसलमानों ने नहीं कर सका कि आपके लिए क्या फ़ायदा किया आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में उर्दू शिक्षक की बहाली कोई सरकार कहीं किसी राज्य में नहीं किया लेकिन यही नीतीश कुमार है जो सत्ताईस हजार उर्दू शिक्षकों की बहाली किए और यही नहीं ये यह महसूस किए कि जिस स्कूल में दस बच्चे हैं उर्दू भाषी वहाँ पर एक यूनिट एक शिक्षक दिया जाए और दस प्रतिशत आरक्षित वो किए कि अगर एक लाख की बहाली होगी तो दस हज़ार उर्दू शिक्षक होगा मौलवी योग्यताधारी की होगा उन्होंने ये मुसलमानों को कहीं ना कहीं रंगनाथ मिश्रा की कमेटी और जो एक कमेटी और था जो सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को अपने आप में ढाला कि मुसलमानों का जो हालत है वो एस से बदतर है क्योंकि उसका रिपोर्ट में था कि मुसलमानों की हालत उन्नीस से पहले बेहतर थी और मुसलमानों की औरतें पढ़ी लिखी थी वो एक खुशहाल थे लेकिन आज़ादी के बाद से उनकी हालत दिन ब दिन गिरती गई अभी हालत यानी अनुसूचित जाति और जनजाति से बदतर हो गया उसको केंद्र सरकार तो नहीं कर सका लेकिन माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार वो करके दिखा है कि उनके मुसलमानों के लिए वो कहीं ना कहीं 20 योजना कल्याणकारी चला रहे हैं यही नहीं अभी देखिए एक नया योजना प्रोजेक्ट किए कि चाहे वो किसी भी जाति विशेष के होंगे अगर वो हॉस्टल में रहेगा तो एक हजार रुपया पंद्रह किलो अनाज का व्यवस्था किया गया आज किसी राज्य में था, उठा के देख लीजिए राइट टू सर्विस क्योंकि केंद्र सरकार का राइट टू इंफॉर्मेशन था राइट टू सर्विस किसका देन है ये नीतीश कुमार का देन है कि आप अपनी बात जाइए वहां पर दर्ज कराइए इक्कीस दिन में उसका परिणाम आएगा यही नहीं क्योंकि बड़े बड़े लोग होते थे उनकी शिकायतें लोग डर से नहीं करता था या करता भी था तो पदाधिकारी नहीं सुनता था जन शिकायत का उन्होंने एक कोशांग बनाया एक पदाधिकारी ने किया कि जन लोक शिकायत निवारण कहकर करके हुआ आज देख लिए कितनों बड़ी बड़ा पदाधिकारी रहे मेरा खुद मामला है अररिया डीओ मेरा जांच नहीं कर रहे थे मैं जन शिकायत निवारण में जब गया तो वहाँ के पदाधिकारी फटकार लगाया और डेट वहीं पर मुकर्र करके मेरे मदरसे का जांच करवाया तो ये गरीबों के लिए निशक्तों के लिए कमज़ोर वर्गों के लिए वो बहुत बड़ा हथियार दिए हैं कि आपकी बात अगर नहीं सुनी जाती है आप जन शिकायत में जाएँ आपको परिणाम मिलेगा ये इतनी बड़ी उपलब्धि है मेरा मानना है कि नीतीश कुमार के सम अभी जो लोगों में कुछ गलत मैसेज चला गया निश्चित रूप से जो दो साल बाकी है फिर उनकी उपलब्धि सामने उभर के आएगा पुनः वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे ये चीज़ आपको देखने में 2020 को मिलेगा एक सवाल आपने रखा कि सत्ताईस हज़ार उर्दू टी की मुख्यमंत्री महोदय ने बहाली करवाई है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऊदाहाट उपचुनाव प्रचार के दौरान माननीय मुख्यमंत्री का उर्दू टी टी अभ्यर्थी संघ ने विरोध किया था उसमें कुछ लोग चार हज़ार लोग बहाली से बचे हुए हैं अपनी बहाली के लिए मांग रखी थी तो लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे वादा किया था कि इलेक्शन के जस्ट बाद आपके काम को देखा जाएगा लेकिन इलेक्शन के बाद कुछ लोगों ने कहा अभ्यर्थी संघ ने कहा कि इलेक्शन हारने के कारण हमारे बैठक को रद्द कर दिया गया क्या इसमें कितनी सच्चाई है या फिर जो बच्चे बहाली के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं देखिए ये डाटा जो आप कहा कि चार हज़ार नहीं है ये चार सौ मात्र डाटा है ये बच्चे ग्रेस के फ्रैक में है कि जो जिसका दो चार अंक से छूट गया है वो ग्रेस की मांग कर रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बोले थे उस उदा मंच में उनका जो लीडरशिप कर रहा था उनको बोले थे कि हम इसको गंभीरता से देखेंगे उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस तरह के अभ्यर्थी 400 नहीं चार हज़ार की इसका आंकड़ा और ऊपर जा सकता है अगर ग्रेस देने की बात होगी तो ये आंकड़ा दस हज़ार भी छू सकता है इसलिए वो इस चीज़ को बैठक को रद्द कर दिए हैं वो इस इसमें है कि फिर पुनः उर्दू टी ए टी की हम एग्जामिशन का डेट निकालेंगे जो प्रतिभाशाली अभ्यर्थी हैं वो पुनः चुन करके आएंगे उनकी बहाली होगी यही नहीं सामान्य शिक्षकों के लिए भी वो टी का फिर परीक्षा का डेट निर्धारण कर रहे हैं वो परीक्षा लेंगे और उस तरह से बहाली होगी अभी लोगों को चूँकि ग्रेस का जहाँ तक मामला है आप देखे होंगे कि जो अंतिम पंक्ति का लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ भी मिलता है जहाँ तक ग्रेस की बात है वो आकलन करेंगे कि जहाँ दस लाख विद्यार्थी बैठा था कि ग्रेस देने से कितने लोग इसमें आ सकते हैं अगर दो चार हजार सौ की बात होती वो निश्चित रूप से कर देते कहीं ना कहीं ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर जाता होगा इसलिए वो इस चीज़ को अभी रद्द कर दिए हैं चुनाव हारने जीतने के बाद एक सीट से न सरकार बन सकती थी ना गिर सकती थी इसलिए उनके सेहत में कोई असर पड़ने वाला नहीं था लेकिन निराशा जरूर हुआ कि जो आदमी विकास पुरुष है इतना मुसलमानों के हित में करते हैं फिर भी मुसलमान उनका अहित सोचते हैं कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय है जबकि ये मुख्यमंत्री पूरे बिहार के एक एक व्यक्ति एक एक जाति एक एक, एक समुदाय के व्यक्ति पर चिंतन करते हैं और सोचते हैं प्लानिंग करते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं कोई योजना लाते हैं वो इसलिए उसको आहत हुआ होगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम करके भी वोट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं उसको हुआ होगा कि भाई जो पहले जो बहलाया गया फुसलाया गया मैं इनसे ऊपर उबर हो जाऊं मैं उनसे मतलब आकर के लोगों को समझाने में काम तब करेंगे कहीं ना कहीं उसका अच्छा प्लानिंग होगा वो एक विकास पुरुष हैं वो अहित कभी मुसलमानों का नहीं सोच सकते हैं इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और जदयू प्रत्याशी माननीय मुर्शिद आलम साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से एन एस टी के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है और मैं जनता से भी अभी जानना चाहूँगा कि यहाँ की मुख्य समस्याएँ क्या हैं और क्या स्थिति है कुछ लोगों से मैं मिलाता हूँ अपनी आप पंचायत के उसी नूरी मस्जिद में जिस मस्जिद में इमाम पे हमले की आरोप लग रही है और इसकी क्या हकीकत है क्या सच्चाई है बात इस बात में कितना दम है इसी बात को जानने के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए मैं मियापुर पंचायत में मौजूद हूं और मैं यहां के जो अवमाम है जो यहां के वासी हैं उनसे जानना चाहूंगा कि आखिर क्या मामला है क्या सच्चाई है क्या घटना उस दिन घटी थी इस पर मैं यहाँ के अवाम से बात करना चाहूँगा आपसे मिलवाता हूँ यहाँ के कुछ गाँव के कुछ लोग हैं हमारे साथ चाचा आप अपना नाम बताएँगे मोहम्मद इसराइल जुमे के नमाज के वक्त इमाम साहब पे हमले की बात आ रही है क्या सच सही है क्या सच्चाई है ऐसी बात है कि इमाम साहब जो थे वो यहाँ पर बयान दे रहा था कि भाई अगर तुम जदयू को भोट दोगे तो तुम्हारे जो है मस्जिद में ताला लग जाएगा और मदरसा में ताला लग जाएगा आजान नहीं होने देगा और गाय का गोश्त में नहीं खाने देगा यहाँ से भगा कर तुम लोग पाकिस्तान कर देगा इसीलिए जदयू को भोट नहीं दो और जदयू जो है भाजपा से है इसीलिए तुम लोग इसको भोट मत दो इसी में वो इमामियत करना चाहता था हम लोग आवाम ने हम लोग खुद कहे कि भाई आप ऐसे इमाम हम लोग नहीं चाहिए आप ये भड़काव वाला जो है इमाम आप इमामियत मत कीजिए इसी से उसको बाहर निकाल दिया गया था मस्जिद तो इबादत के लिए बहुत है अल्लाह का घर है इबादत के लिए मस्जिद में इस तरह की राजनीति कहाँ तक अच्छी है नहीं ये अच्छी बात नहीं है इसीलिए उसको मना किया कि भाई ये बात मस्जिद में मत बोलिए आप ये राजनीतिक बात मस्जिद में क्यों बोल रहे हैं आप ये बात अच्छी नहीं है आप इमाम याद मत कीजिए फिर हम लोग उस सारा आवाम बैठे उसको मस्जिद से निकाल कर दिया और हम लोग फिर दूसरा इमाम को लेकर के नमाज पढ़े तामिन और है मैं उनसे भी बात करनी करना चाहूँगा कि आखिर हकीकत क्या है और क्या मस्जिद में राजनीति हो रही थी आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या इमाम साहब पे हमला हुआ या फिर मस्जिद में राजनीति हो रही थी क्या क्या सच्चाई है इसमें इमाम साहब पे कोई हमला नहीं हुआ है वो सरासर झूठ बोल रहे हैं लेकिन वो ये बोल रहे थे कि बीजेपी को जदयू से एनाइंस है अगर आप इसकी पार्टी को वोट देंगे तो गाय का गोश्त खाने नहीं देगा मस्जिद में ताला लगा देगा मदरसा को बंद कर दिया जाएगा और तरह तरह की परेशानियाँ होंगी जिसकी वजह से लोग उसके भाकाओं में आकर के दूसरे को वोट डाले बिल्कुल इनका भी आरोप यही है कि मस्जिद में राजनीति हो रही थी आपसे कुछ बताना चाहेंगे हाँ हम भी बताना चाहते हैं ये मस्जिद जो है मतलब बहुत पहले से मतलब दो तीन महीना पहले से भी मतलब जो है ना जो ये एम पी चुनाव हुआ था वो उस टाइम भी मतलब वैसे भकाव वाला भाषण देता था और बाद में जो हम लोग इधर उधर करते रहे जो दो जुमा इधर भाषण जो किया सिर्फ यही बीजेपी और जदयू लेके और जो प्लस जो मामला झगड़ा का है उसमें पहले भी कहा गया था कि इमाम के लायक अब नहीं हैं आप इमामियत छोड़ दीजिए खुर्शीद आलम जो उसके दरवाज़ा में जो पढ़ाता है वो हमेशा उसका साथ देते रहता है वो कहा कि नहीं यही पढ़ाएगा तो जनता का ये कहना हुआ कि मसली का कि हम लोग जो है इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे ये नमाज़ पढ़ना हम लोग का जाए नहीं है उसको कह दिया कि निकाल के तुम जाओ भाई तब एक लड़का था आलिम उसी से नमाज पढ़ाएगा उसमें बीच में जो है मतलब जो महिला के बारे में जो देता है मुखिया मुर्शिद का पत्नी और बहू बेटी के बारे में जुमा के दिन कहीं औरत आता है यहाँ क्या मस्जिद में ये सरासरी ये हाफ़िज़ जो है झूठ बोलता है किराया अगर टट्टू है वो जो बात खुर्शद आलम बताता है वो ये वो हाफ़िज़ करता है बिल्कुल मस्जिद में औरतों का आना मना है और चूँकि जुम्मे के नमाज की नमाज़ के वक्त तो औरतें खासकर नहीं आ सकती मस्जिद में उस वक्त नमाज का वक्त होता है मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या मस्जिद में राजनीति सही है क्योंकि मस्जिद तो अल्लाह का घर है इबादत के लिए बना है क्या मस्जिद में राजनीति सही है हाँ ये बात सही है जो अभी कयूम साहब जो बोला ये सही है और वो पहले भी बोला था कि बीजेपी में वोट मत दीजिए और वोट लालटीन में दीजिए और दूसरा बात ये कि वो ये भी कयूम भी उस दिन कहा कि आप ऐसा भाषण मत कीजिए हम भी वो इसका पीछे थे और फिर उस दिन आके मुखिया जी कहा कि आप इमामियत मत कीजिए वो कहे हम इमामियत करेंगे और फुर्सद भी कहा कि ये करेगा ये कल के हम नहीं देंगे करेंगे इस आदमी को और हम लोग और उसमें जो कि मारपीट करते हैं किसी को ले देखें